25 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर होने वाले काजी फाइज ईसा ने जब ओहदा संभाला तो इन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो इन्हें इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकारी के इल्ज़ाम का सामना था। तहम तजियाकारों का कहना है कि काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अदलिया में वो मुश्किल तरीन रिफॉर्म्स की जो माजी में किसी और चीफ जस्टिस को करने की जरूरत नहीं हुई। उनका कहना है कि फाइज ईसा पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने का इल्ज़ाम भी सिर्फ एक ही जमात लगा रही है जो कप्तान का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने वाले इमरान दार जज मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनते हुए देखना चाहती थी। याद रहे कि जस्टिस फाइज ईसा 13 माह तक पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस रहने के बाद 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। वो मुल्क की वाहिद अदालती शख्सियत हैं जिसकी तकर्री भी बतौर चीफ जस्टिस हुई और जिसने चीफ जस्टिस की ही हैसियत से अपना जुडिशल करियर भी खत्म किया। याद रहे कि फाइज ईसा 2009 में बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने और फिर अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर रिटायर हुए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइज ईसा एक हंगामी सियासी दौर में तब चीफ जस्टिस बने जब अदलिया में तकसीम वाज़े थी, इसलिए उनका अदालती दौर भी तनाजात से भरपूर रहा। अगर वो तहरीक इंसाफ के लिए विलन थे तो मुल्क के दो सबसे पुरानी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग उनको अदालती तारीख का हीरो करार देती है। सितंबर 2024 में जब फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया था तो वुकला में ये तासुर आम था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं और न सिर्फ अदलिया में मौजूद जजेस के दरमियान इख्तलाफात को खत्म करवाएंगे बल्कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का भी खात्मा करेंगे। जस्टिस फाइज ईसा के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर तब बना जब उन्होंने क्वेटा में वुकला पर होने वाले खुदकुश हमलों से मुतालिक कायब कमीशन की सरबराही करते हुए इस वाक्य को खुफिया एजेंसियों की नाकामी करार दिया था। इसके बाद उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला देते हुए खुफिया एजेंसियों के कर्ता धरता अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। इसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत ने उनके खिलाफ नाहली का रेफरेंस दायर किया तो इस तासुर को मजीद तकवीत मिली कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुखालिफ है और इन्हें निकालना चाहती है ताकि वो चीफ जस्टिस ना बन पाए। इस रेफरेंस की वजह से फाइज ईसा के ताल्लुकात उन जजेस से अच्छे नहीं रहे जिन्होंने सदारती रेफरेंस में इन्हें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ मिलकर टफ टाइम दिया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जज एजाजुल एहसन के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और बरतरफ किए जाने वाले जस्टिस मजाहिर अकबर नकवी शामिल हैं, जबकि जस्टिस अथर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक के साथ भी कमरे अदालत में उनके ताल्लुक बेहतर नहीं रहे। जस्टिस फाइज ईसा को सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए 2 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि अगस्त 2016 में क्वेटा में खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए उनकी सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ में कलदम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने जब 2015 में चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फौजी अदालतों के क्याम के हक में फैसला दिया तो फाइज ईसा इन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत की थी। बाद में इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के धरने के खिलाफ अजखुद नोटिस के केस में जस्टिस फाइज ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ अस्करी इदारों को भी गटेरे में खड़ा कर दिया था। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाके फैजाबाद इंटरचेंज पर इंतखाबी हलफनामे में खत्म नबूवत के हवाले से मुतनाजा तरमीम के खिलाफ नवंबर 2017 में धरना दिया था जिसका इख्तिताम वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के बाद हुआ था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवसुस से हुक्म दिया कि वह फौज के इन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सदर अलवी ने वजीर आजम इमरान खान के ईमा पर फाइज ईसा के खिलाफ बैरून ममालिक असासे जाहिर न करने पर नाअहली का सदारती रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में फाइज ईसा ने दावा किया कि तब के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के डॉन में इन्हें राजदारी से बताया था कि इसका असल मकसद मुझसे इस्तीफा लेना है। फाइज ईसा ने इस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जिसके
10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया था। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने दौर में कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक हुक्म दिया, जिसे सराहा गया। फैज ईसा ने कई दिहाइयों बाद साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर भी फैसला सुनाया और साबिक फौजी आमिर परवेज मुशरफ को आइन शिकनी पर दी जाने वाली सजाए मौत के खिलाफ अपील को भी मुस्तरद किया। ताहम उनकी शख्सियत वकला के एक धड़े में पीटीआई के पार्टी इलेक्शन केस के हवाले से मुतनाजा बनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।